नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 275 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 486 रन के लक्ष्य को पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम महज 192 रनों पर ढेर हो गई और मेजबान टीम ने सीरीज में 2-0 की अहम बढ़त बना ली है। इससे पहले खेले गए पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को गाबा में हराया था। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी जगह मजबूत कर ली है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रनों से हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अब टेस्ट पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। पहले नंबर पर श्रीलंका की टीम है। टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के सर्कल के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को दोनों ही मैचों में जीत मिली है। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का 100% जीत परसेंटेज है और वे दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के अब 24 अंक हो गए हैं। वहीं श्रीलंका की टीम 100% परसेंटेज के साथ पहले नंबर पर है और 24 अंक उनके खाते में है। इस पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, जिसके खाते में 36 पॉइंट हैं। वहीं अब बात करते हैं चौथे नंबर की टीम की, और चौथे नंबर पर भारतीय टीम है और इस समय भारतीय टीम लगातार चौथे नंबर पर बनी हुई है। भारतीय टीम के पास अभी 58.33 परसेंटेज मौजूद हैं, तो वहीं उनके अंक सबसे ज़्यादा 42 हैं। अब तक भारत ने 6 टेस्ट मैच इस सीरीज में खेले हैं। इंग्लैंड की टीम का हाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ख़राब है। इंग्लैंड ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें केवल एक में ही जीत मिली है और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ भी रहा है। इंग्लैंड के पास 8.33 का परसेंटेज है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।